सही। और एक चीज़ यहाँ पर जो मैं क्लियर कर दूँ कि घर में कभी भी आप लोग इस चीज़ को ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ होती है वो इसको बेहतर तौर पर जो है वो टैकल कर सकते हैं। जब आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं होती तो आप चीज़ों को फिर डैमेज कर देते हैं, तो अपने बालों को आप डैमेज होने से बचाइए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस समीर अली बात कर रही हूँ। क्या पूछना चाहेंगी आप नौरीन से? पहले तो आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आप लोग का। बहुत शुक्रिया। और मेरा ये है, आपको जवाब देना था ना। हाँ। काज क्या क्या था सर? न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ठीक है, अच्छा जी, अनाज का। और दूसरा मैं ये बोल रही थी कि मेरे बाल है ना बहुत गिरते हैं। अच्छा, नहीं यानी सब कंडीशन भी करती हूँ बालों में। ये बताइए, आपने ट्रीटमेंट वगैरह लिया हुआ है बालों का? जी, हेयर डाई वगैरह करती हैं? हाँ मैं करती हूँ, ऑयल वगैरह करती हूँ। ठीक है, अच्छा नौरीन, कोई सवाल आपने करना है? सॉल्टी खारा पानी तो नहीं है? नहीं, खारा पानी नहीं है। अच्छा चलिए, खारा पानी भी नहीं है, शैम्पू भी ऐसा वैसा नहीं है ना, मतलब अच्छी कंपनी का है, मानी हुई कंपनी। अच्छा। उनका कहते हैं कि मैंने कहा रिबॉडिंग करवाई थी। अच्छा, रिबॉडिंग से शैम्पू जो उसने बोला था कि यही आप करेंगे ना जी, तो रिबॉडिंग से आपके नाम नहीं ले रही मगर अच्छी कंपनी का ले रही हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, नौरीन को शुक्रिया अदा कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपको नया जवाब देते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? रिबॉन्डिंग जो इन्होंने कराई है, वो जो प्रोडक्ट इनके यूज की गई होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, ब्रांडेड नहीं होगी, उसी वजह से इनके हेयर लॉस हो रहा है। बेस्ट ये है कि ये हेयर ट्रीटमेंट लें फॉर हेयर लॉस, तो इनके कुछ बाल बेहतर होंगे। ऑयलिंग करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, हेयर कट करवाएं। अब रिबॉन्डिंग को कितना अर्सा हो गया, अब यही तो लोग जाके करवा लेते हैं जो सही एजुकेटेड लोग नहीं होते, तो फिर बाल उनके डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ आप लेना चाह रहे हैं आप बिल्कुल लें, क्योंकि हर किसी का हक है कि वो खूबसूरत लगे, अच्छा लगे और उसकी एक चेंज से लुक आए। लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं तो इसके बाद की जो प्रिकॉशंस होती हैं, अगर आप वो नहीं लेते ना तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको बाद की जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से जो केयर होती है, आफ्टर केयर जी बिल्कुल, पोस्ट मेंटेनेंस जो होती है वो बहुत काउंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने जिस तरह से कहा कि जी करवा तो लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि कुछ करवाया है बालों में। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सुरुखा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मेरा नाम समरीन है। आवाज़ सही नहीं आई मुझे। मेरा नाम समरीन है। समरीन, समरीन जी जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्यों अच्छी लगती हूँ? क्योंकि आप जो है ना, ऐसा लगता है जो हमारे दिल में हमारे घर में क्वेश्चन आते हैं ना, आप बहुत ही सही पूछ लेती हैं। आप यकीन करें, यानी मेरी ध्यान में आता है कि मैं पूछना चाहती हूँ और आप पहले से ही वो क्वेश्चन पूछ लेती हैं, तो बहुत दिल खुश होता है कि आप यानी कि क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। अच्छा, आपके टॉपिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। और इनफैक्ट हम इस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज ये आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए होता है ना, तो जो हम देखते हैं जो चीज़ आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, सूटेबल हो, वही चीज़ कर जाएं। अच्छा ये बताइए, मुहावरे का जवाब देंगी समरीन? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और हम देखेंगे कि एट दी एंड जो है वो लकी विनर कौन होता है। सही है ना। अच्छा, बालों के हवाले से बात हो रही है और हम जो एक चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाह रहे हैं या हम जो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप लोग सारी चीज़ें करवाएं लेकिन साथ साथ बालों की केयर करें, है ना, और एक्सपर्ट से कराएं। देखिए कि वो कहाँ से सीखा हुआ है, कोई उनका काम देखिए, उसके बाद उनसे जाके कराइए। और बालों की स्ट्रेंथ को पहले टेस्ट कराइए कि क्या हो सकता है। अब उन्होंने रिबॉन्डिंग कराई है, क्या पता उनके बाल इतने डैमेज ऑलरेडी पहले ट्रीटेड हों, प्रोसेस्ड हेयर हों, उसमें उनकी रिबॉन्डिंग हो गई है, तो रिबॉन्डिंग में तो वैसे भी पीएच वैल्यू 15 को टच कर जाता है, नीचे की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, तो ज़रूरी है कि उसको फिर बैक करना पड़ता है, तो वो नहीं हुआ होगा, उस वजह से उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है। लेकिन अब जो ये हेयर लॉस हो रहा है ये ट्रीटेबल है? जी बिल्कुल ट्रीटेबल है, ऑफ कोर्स, है ना, बिल्कुल। जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी हो रही है बिल्कुल, आप उस चीज़ को अगर कवर कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी आपके बालों में आ सकती है। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है? कैसी गुप्ता, इंशरा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा रिमशाना, इंशरा। अच्छा बड़ा डिफरेंट सा नाम है आपका। जी अच्छा नाम है। अच्छा ये बता, जबरदस्त आपका प्रोग्राम हो रहा है। मुझे बालों के हवाले से पूछना था। पूछिए। कि मेरे बाल बहुत पहले तो बहुत ज्यादा सिल्की थे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है बाल ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा आप भी डाई यूज करती हैं? मैं मेहंदी यूज करती हूँ, डाई तो यूज नहीं करती। मेहंदी तो ऑलरेडी। आपके सवाल का जवाब दूंगी। हाँ दीजिए। काम करना चाहता दुश्मन अनाज का। ठीक है चलिए, कोई सवाल करना चाह रही नौरी? नहीं ठीक है, ठीक नहीं वो कह रही है, ठीक है आपको आनी है जवाब देंगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। क्या बताएंगी? जैसे उन्होंने कहा वो मेहंदी यूज करती है, मेहंदी इज मेटालिक डाई। मेहंदी एज अ हर्बल के तौर पे तो ठीक है, लेकिन वो मेटालिक डाई है तो उससे बाल रफ हो जाते हैं। और वो जैसे कह रही हैं कि बाल उनके पहले सिल्की थे अब ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि अब मेहंदी भी बिल्कुल हर्बल आ नहीं रही है। उनमें भी अब केमिकल्स शामिल हैं। हाँ मैं वो कहते हैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। केमिकल्स शामिल है, केमिकल्स शामिल है, उसकी वजह से उनकी ड्राइनेस हो रही है। तो अब ये कि वो मेहंदी छोड़ दें, सिंथेटिक डाई लगाएं, कंडीशनर यूज करें, तो उनके बाल सिल्की हो जाएंगे। स्लाइटली ऑयलिंग वगैरह करेंगी तो उससे उनके फर्क पड़ेगा। हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जरा सा इसका आप अगर ख्याल कर लें तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी। एक तो ऑयलिंग लोग नहीं कर पा रहे, और आजकल आ गई हैं गर्मियाँ, उससे भी इरिटेट हो रहे होते हैं कि आप ऑयल भी लगाएं सर पे, स्वेटिंग बहुत। अच्छा, मॉडल कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने कहा स्वेटिंग बहुत होती है गर्मियों में, तो ये कि आप रात में लगा लेंगे या वॉश करने से आधा घंटा पहले भी लगा लेंगे तो इट्स फाइन। कि उनके बालों के लिए एक बाल ही होते हैं जो आपके फेस पे एक कंप्लीट चेंज लेकर आते हैं। हम लोग मेकअप कर लेते हैं और लुक एकदम चेंज होता है जब आपके बाल प्रॉपरली हुए में हो। हाँ अच्छा एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मेरा नाम आसिया है, मैं गुलशन दीदी से बात कर रही हूँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल किया और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ये सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा और मेरा सवाल क्या है, मेरे बाल बहुत और शैम्पू की हर्बल करती हूँ, कोई डाय कोई चीज पार्लर पे जाते भी नहीं है। सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी, काम का अच्छा बाल क्या है? बाल गिरते बहुत ज्यादा है इनके। अच्छा। बहुत ज्यादा झड़ रहे, वो कॉमन कंप्लेन जो है ना बालों के गिरने की। चलिए बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपको होने जवाब देते हैं। अगेन वही सवाल है जी, हेयर शेडिंग जो है वो तो डेली देखें, 100 अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उगने भी फिर जाएंगे जी। शेडिंग ऑफ हेयर तो देखें ये डेली बेसिस पे अगर 100 के करीब हो रही है इट्स नॉर्मल, अगर इससे ज्यादा है तो फिर कोई इंटरनली प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो इस वजह से हो रही है। और विंटर्स में वैसे भी बाल जो है वो देर से बढ़ते हैं, समर में वैसे भी जल्दी बढ़ते हैं, तो अब ये कि प्रॉपर हेयर कट करा लें, अपना कुछ मल्टी वाइटमिन ले लें जिसकी वजह से अगर इनके बाल ज़्यादा गिरे हैं। कह रही है ना कुछ करवाती नहीं हूँ फिर भी पॉलर भी नहीं जाती हूँ, तो हो सकता है कुछ इनका इनटेक कम हो, वाटर इनटेक ज़्यादा करें अपना तो इनके बाल बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मिसेस तारिक बोल रही हूँ। मिसेस तारिक कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा आपके सवाल का जवाब दूँ? हाँ दीजिए। काम करना काज का दुश्मन अनाज का, ठीक है। अच्छा मुझे और जी कुछ कह रही है? नहीं मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो मुहावरा हमने दिया इससे बहुत सारे लोग मशहूर हुए थे। ये तो सही है, आप मुहावरे लाती भी सबसे अच्छे अच्छे है ना। अच्छा सवाल अच्छा, मुझे ये बताइए पूछना है इनसे कि मेरी बच्चियों के बाल बहुत लंबे हैं। अच्छा। और बहुत मतलब ठीक भी है, काफी अच्छे हैं बाल ना, तो मैं ये चाह रही थी कि उनके जो वो है लेंथ जो है ना उसको मैं क्या कम करा लूं या स्टाइल कुछ बताए मुझे। क्या थी? वैसे मुझे बहुत घने बाल हैं, बहुत अच्छे, और लेंथ भी काफी नीचे तक है, हिप से नीचे तक है उनकी। अच्छा बच्चियों की एज क्या है मिसेस सारे? जी एक 20 साल की है और एक 22 साल की है। अच्छा जी ठीक है, ठीक है मिसेस सारे। और कोई और सवाल भी करना चाह रही हैं? अच्छा जी जी
बोलिए जी जी मिसेस सारे, कोई और सवाल भी करना चाह रही हैं? नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, और अगर बाल खूबसूरत है तो ट्रिमिंग जरूर करा लीजिए, लेकिन शॉर्ट ना कराइएगा, ये मेरे दिल से आवाज निकली है। बाकी नौरीन क्या सजेस्ट करेंगी वो हम बिल्कुल इनसे पूछेंगे, लेकिन कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे।